अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, सर उमर साहब और मैं, मेरा नाम मोहम्मद सलमान और ये भाई उमर है। तो हम आज छोटा सा व्लॉग बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम फिश हंटिंग करेंगे। आज हम मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। ये जो पीछे हमारे जगह नज़र आ रही है, इधर ये देख रहे हैं, एक छोटा सा रिवर नज़र आ रहा है, ये हमने सेलेक्ट किया, इसके अंदर से हमने मछलियाँ पकड़नी है। ठीक है, मछलियाँ पकड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें चाहिए वो हमें उमर साहब बताएंगे, कौन कौन सी इक्विपमेंट ज़रूरी हैं, हम वो लेके आएंगे और उसके बाद हम मछलियाँ पकड़ के दिखाएंगे। जी जनाब, मछलियाँ पकड़ने के लिए सबसे पहले एक हमने जगह मुंतखब की है हमारे इलाके के पास ही। इसके बाद हम शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम दुकानदार से डोर लेंगे और कुंडिया लेंगे, उसके बाद हम मछलियाँ। अच्छा, ये जो डोर होती है कोई खास होती है या आम सिलाई वाला धागा भी चल जाता है इसमें? नहीं, हमने केमिकल डोर लेनी है। अच्छा, केमिकल डोर जो पानी के अंदर नजर ना आए। जी हाँ, वो मजबूत बहुत ज्यादा होती है। नहीं, आजकल वो दूसरी डोर भी है ना, वो धागे वाली होती है ना, वो नजर आती है पानी में मछलियों को, वो इसलिए इतना ज्यादा उससे मछली शिकार लगता नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रही है। हमने केमिकल वाइट डोर लेनी है जो कि पानी के अंदर जाल डालें, पानी जिस भी कलर का हो वो उस कलर के अंदर ढल जाएगी, हमें मछलियाँ ज़्यादा जल्दी मिलने के चांसेस होंगे। तो चलो यार, अब हम चलते हैं शॉप पे, शॉप पे जाके हम उधर से सामान लेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारे साथ एक दो लोग और हो जाएं, क्योंकि फ़िलहाल हम दो लोग हैं, हमने जगह सेलेक्ट कर ली है। और इसके बाद हम चलते हैं, एक दोस्त है, दोस्त की दुकान है, डॉक्टर अली अहमद, डॉक्टर है नहीं वो, ठीक है पहले आपको आगाह कर दें, उससे हम कह देंगे, अगर वो आता है तो उसकी मेहरबानी होगी। तीन तीन होते हैं, एक एक होता है, ठीक है। चुप, बिल्कुल चुप। चलो यार, अब हम चलते हैं शॉप पे। चलते हैं जी, शॉप पर चलते हैं।